ऐसे हम नहीं चाह रहे हैं कि हम जतियाता करें, लेकिन ऐसा हो जाता है, माहौल बन जाता है कि जतियाता करना पड़ जाता है। कई कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे, और गरीबी हटा देंगे। तो नहीं है वो गरीबी हटा सकेंगे और नहीं अच्छे दिन ला सकेंगे। ओबीसी मोर्चा के अधिवेशन में 16 को आएंगे अमित शाह। वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष जगन्नाथ गुप्ता ने थामा कांग्रेस का हाथ, कहा एनडीए ने ठगा है वैश्य समाज को। आरक्षण के खिलाफ निकला आक्रोश मार्च, आबादी के हिसाब से मिलेगा आरक्षण, श्रवण कुमार का कहना। ये पिछले कुछ दिनों की हेडलाइन है दोस्तों पटना की। इनको पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में कास्ट कितना बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ की पॉलिटिक्स में। मैं ध्रुव राठी आपके साथ बीबीसी हिंदी के साथ जुड़ा हूँ। यहाँ हम बिहार में लोगों से मिलेंगे और इनसे जानेंगे कि कास्टिज्म की हिस्ट्री क्या रही है बिहार में, और कास्ट आज के दिन भी यहाँ पे पॉलिटिक्स पर कितना असर डालता है। सबसे पहले हम गए थे लक्ष्मणपुर बाथे गांव में, जिसमें कि बिहार की हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा मैसेकर हुआ था। '58 दलितों को मार दिया गया था बड़ी बेहरे में से अपर कास्ट लोगों के द्वारा। यहाँ पर हमने बात करी एक बुजुर्ग आदमी से जो फैमिली रिलेटिव थे उन लोगों के जिनको मारा गया था इस मैसेकर में। अंदर हुआ, सामने इधर हुआ, सामने यही साथ यहाँ पर हुआ था। हाँ, यही मर्डर हुआ। तीन और आप तीन से देख रहे थे? हम वो कर से हुए इतना है दीवार भर छाती, वही से पहचान किया कैसे। अच्छा, नहीं तो सामने देखता तो मारिए देता। हमारा बीबी आ हमारा बची यहाँ पर भाग के। हाँ, भाग के डर के मारे। यहाँ पर पहले से कौन था? मानती देवी। वो कौन है आपकी? पुतो था। अच्छा, गोली है जो से गोली से मारा। हाँ। वो काट देता, हम वो करे हो गए छदवाली को, वो करे तब ना बच गए हम, लगा था वही में गोली। अच्छा, जितना भेटाया ना वो टोटल के मरने मार दिया। 6 महीना के होते, 4 महीना के होते। और वहाँ हम मिले एक और नौजवान से जो कि 6 साल के थे जब ये मैसेकर हुआ था। उनके पैर पे गोली लगी थी जब वो इंसिडेंट हुआ था, इनके फैमिली मेंबर्स को मारा गया था। आया और अटैक करना स्टार्ट कर दिया, सब घर में घुस गया। 100-150 के संख्या में थे, पारंपरिक घर में घुसा, किवाड़ी तो है ये नहीं था, सब घुस गया, इसको मार दिया सब। जब आपको कहाँ गोली लगी? वैसे यहाँ लगल था। अच्छा, निशान अभी भी? मैंने हम निफिक्र सोए हुए थे। अच्छा, गोली लगा उसके बाद में दर्द हुआ, हम जगे। हाँ। देखे कि मम्मी इधर गिरी हुई है। हाँ। बहन इधर गिरी हुई है। हाँ। खून से लथपथ है हम। अभी भी तो फील होता है, आदमी बोलता है तो महसूस बहुत अंदर से होता है, बाकी महसूस करके आदमी करेगा क्या? वो तो जाने वाला चल गया, इन्हें आदमी तो भोग रहा है। माँ के जानबे करते हैं लाड़ प्यार कितना, छोड़ के चला जाता है तो माँ बिना कैसे बेटा रह सकता है। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये देखना कि इस इंसिडेंट के 21 सालों बाद भी इस गांव में दोस्तों लोगों में एक डर बना हुआ है, लोगों में खौफ है कि एक ऐसा इंसिडेंट फिर से ना हो जाए। तो क्या आप आज आप में डर बैठा हुआ है? ना पूछल है, 58 मर्डर हुआ, कुछ हो ना किया तो फिर अभी उन्हें मरना बढ़ा हुआ है सर। और दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा भी है कि इतने सारे लोगों को मर्डर किया गया इतने सारे लोगों के द्वारा, और एक भी इंसान कॉन्विक्ट नहीं हुआ यहाँ पर, एक भी इंसान को सजा नहीं दी गई। इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के इशू को गहराई में जानने के लिए इसके बाद हम एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर दिवाकर से भी मिले, जिन्होंने विस्तार से समझाया कि इस पूरे इंसिडेंट की हिस्ट्री क्या है और क्या रूट्स हैं इसकी। जब जमींदारी उन्मूलन के बाद भी ज़मीनें नहीं बटी और लोगों में लगा कि उनका जो हकदारी है उसमें हकमारी हो रही है, जो निचली और निम्न मध्य जाति के लोग थे
वो इकट्ठा हुई और वो अपने हक के लिए, मजदूरी के लिए, अपने इज्जत की लड़ाई के लिए और ज़मीन के हक के लिए वो लड़ाई लड़े। वहाँ से जाति का गोलबंद अलग अलग शुरू हुआ। अपर कास्ट और अपर मध्य जाति के जो लोग थे, जो जमींदार थे खास करके, ये लोग आपस में कंसोलिडेट करके सेनाओं का रूप लिया। सरकार ने भी मदद की इनकी, प्रशासन ने भी मदद की, सरकार ने भी मदद की, राजनीति से संरक्षण भी मिला इनको, और ये तीनों के गठजोड़ मिलके इन्होंने उन आंदोलनों को दबाया भी, जिसमें लड़ाइयाँ तेज हुई और अधिकांश लड़ाइयाँ जिसमें दलित और पिछड़े मारे गए, तीन रिटेलिएशन भी हुए जहाँ नीचे से भी आया उसमें, और जिसके कारण से जाति का विभाजन तेज हुआ। रणवीर सेना में मूलतः जो जमीन वाले लोग एक खास जाति के थे जिसे लोग भूमिहार कहते हैं, उनकी सेनाएं थी वो, और ब्रह्मदेव उनके मुखिया थे, जिनके ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मणपुर बाथे या बथानी या मियाँपुर, ये जो नरसंहार हुए हैं, इन नरसंहारों में प्रत्यक्ष हाथ उन लोगों का रहा है, जिसमें वो क्लेम भी किए हैं और वो रिकॉर्डेड है। 1997 में हुए इस मैसेकर में एक मेन अक्यूज्ड का नाम सामने आता है, ब्रह्मेश्वर मुखिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया एक ऐसे इंसान है जिन पे 250 से ज़्यादा लोअर कास्ट लोगों के मर्डर के चार्जेस लगे हैं। ये खुद एक अपर कास्ट के हैं। इनको 9 साल के लिए जेल में रखा गया था 2011 तक, जिसके बाद इनकी बेल हो गई थी। एक साल बाद छूटने के इनका मर्डर कर दिया गया था गोली मारकर। हम इनके गाँव में गए, खोपेरा में। हम मिले ब्रह्मेश्वर मुखिया के भतीजे से, जिनकी सोच बहुत लिबरल लग रही थी। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट करते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये ब्रह्मेश्वर मुखिया पे लगे सारे चार्जेस को पूरी तरह से डिनाई कर देते थे। ये कहते थे कि उस वक्त की सरकार ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को फंसाया था, क्योंकि इन्हें किसी को तो ढूंढना था एलिगेशंस लगाने के लिए, ब्लेम करने के लिए इन सारे इंसिडेंट्स के लिए, तो इन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया को चुना। 1990 में क्या हो गया कि लालू या प्रसाद यादव का सरकार बन गया, ठीक है, सरकार बन गया तो जितना, और लालू यादव के लटका झटका से बाकी जो बैकवर्ड जातियाँ थी वो आकर्षित होने लगी लालू यादव की तरफ। CPIML के पास राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया, अपन अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ गया, तो राजनीतिक मजबूरी के चलते वो थोड़ा हर एक गाँव में वायलेंस कराने लगे। किस जाति ने किसको जाति नहीं किया था हाँ। जैसे कि माओवादी लोग किया था हाँ। और एक जाति विशेष को 34-35 करीब भूमिहार जाति के लोगों की लोग हत्या कर दिया था। अच्छा। इन दो तीन घटनाओं से पूरा उबाल आ गया भूमिहार समाज में, समझे, पूरा भूमिहार समाज में उबाल आ गया, और स्वाभाविक था हाँ। कोई थपड़ी तो नहीं ना बजाएगा, हर एक जाति में अपने जाति के प्रति आकर्षण है और ये सब रहता ही है। यही रणवीर सेना बनने का मूल कारण था। रणवीर सेना बन के करती क्या थी, मतलब जो नाम दिया गया है रणवीर सेना करती क्या थी, एक क्रिया प्रतिक्रिया, वो मारा फिर ये मारेगा वो मारेगा। अच्छा। कोई भी आचरण के दृष्टि से ये नहीं कह सकता है एक मुखिया जी ने किसी पर, एक होता है ना, कोई ऊ जाति भी नहीं कह सकता है। अच्छा, ठीक है। लक्ष्मणपुर बाथे में एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे बड़ी करीब है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए जो भी हो, लक्ष्मणपुर बातें हो, सिनारी हो, सब गलत है, ठीक है। उसमें मुखिया जी का नाम सामने आता है। हाँ, मुखिया जी का, हाँ, केस उसमें तो उसमें आता है उन पे। इनफैक्ट मुखिया जी पे 200 से ज़्यादा मर्डर के एलिगेशंस लगे हुए हैं। 287 या 72 उतना है हाँ। इसके बारे में उतना जनरल नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? वो गलत है, गलत इंजाम लगे, वो गलत है। तो उन्होंने असली में नहीं किया, वो अपने जिंदगी में एक बकरी और मुर्गा को भी नहीं काटे हैं। तो जो लक्ष्मणपुर बाथे में हुआ, किसी ने तो किया उनका मर्डर। हाँ, किया तो, लेकिन कौन थे फिर ये लोग? देखिए, वो थे तो उनके विरोधी ही थे, जो जात पात की लड़ाई में विश्वास करते हैं, और मीडिया को, पुलिस को भी कुछ मिल नहीं रहा था, तो क्या जवाब दे जनता के सामने, पुलिस क्या जवाब दे? किसी एक को टारगेट कर लिया। अच्छा, ठीक है, टारगेट करके और अपना जिम्मेवारी से मुक्त हो गया कि यही करा रहा है।
ये कुछ मेन इंसिडेंट्स थे जिन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। इसके बाद शुरू हुआ दोस्तों कास्ट को एज अ वोट बैंक यूज करने का गेम, कास्ट की पॉलिटिक्स का गेम। ये जो जाति की राजनीति है पॉलिटिकल कैंपेन में बहुत माने रखता है, चाहे वो कैंडिडेट के सिलेक्शन का सवाल हो या कौन जाएगा प्रचार करने, कौन स्टार कैंपेनर होगा। आप देख रहे हैं कि आज के तारीख में तेजस्वी यादव नए नए उभरे, बावजूद इसके उनको स्टार कैंपेनर बनाने की तैयारी चल रही है चारों तरफ से। उनके बीच में बहुत सारे अनुभवी नेता हैं और वो सभी अनुभवी नेता, चाहे वो सिद्दीकी जी हों, रघुवंश जी हों या और कोई, ये सारे लोग तेजस्वी को एक आगे का नेता बनाने के लिए मजबूती से खड़े हैं। क्योंकि यादव का जो मांस बेस है और मुसलमान का जो मांस बेस जो लालू यादव के साथ खड़ा है, उसके उसका लाभ मिले राजद को, उसकी तैयारी चल रही है। इसके बाद हम गए दोस्तों बिहार की सड़कों पे यहाँ के लोगों से पूछने कि उनका क्या ख्याल है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में। पटना की बात करें तो जातिवाद तो खत्म हो चुका है, पहले था, 5 साल पहले जातिवाद था। इंडिया में अब हो सकता है कास्टिज्म खत्म हो जाए, लेकिन बिहार में अभी खत्म होने में कम से कम 10 साल है। कैंपेनिंग कास्ट को देखकर होती है कि नहीं होती? कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग, कैंपेनिंग तो कास्ट के नाम पे होती है। बीजेपी कास्ट को यूज नहीं कर रही है। अच्छा, नहीं लेकिन कर बीजेपी का जो लालू यादव के खिलाफ कैंडिडेट उतारा है उन्होंने, हाँ। वो भी एक यादव है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, जीतने चांस की बात तो हो नहीं सकती। एक्चुअली आप बोलेंगे जो मैं विकास करूंगा, जब आपको जीतने ही नहीं दिया जाएगा तो आप विकास कैसे कीजिएगा? तो आपको जीतने के लिए कम से कम जो दुश्मन जैसा करे उसी के हिसाब से चलना होगा। तो अभी हमने स्टूडेंट से पूछा, अब हम और लोगों से पूछते हैं यहाँ पर कि उनके क्या क्या राय है। सर आप बताना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कलाम। मोहम्मद कलाम, आपको लगता है आज के टाइम पटना में बिहार में लोग कास्ट को देख कर वोट डालते हैं, जाति को देख कर वोट डालते हैं? नहीं सर, जो बढ़िया काम करेगा उसी को वोट मिलता है, उसी को पड़ता। तो जाति को देखकर नहीं डालते? जी नहीं। आपका नाम क्या है सर? अशोक प्रसाद यादव। क्या आपको लगता है अभी भी जातिवाद है बिहार में, होता है? जातिवाद तो कुछ होता है। होता है, कहाँ देखा है आपने? होते हैं किस तरह का देखा है? हर जगह देखे हैं, हर जगह पर देखे हैं कि जातिवादा कुछ हो जाता है। अच्छा। कोई दूसरा जाति का है, हम यादव हैं, कोई मलाहे कोई आके जादवे के दबाने लगा, चाहे बोलने लगा कुछ, तो हम पक्षपात करने लगते हैं, क्या कीजिएगा। जातिवाद तो है। आपको लगता है गलत है? गलत तो है, सही आ गलत नहीं अंदाज करके ऐसे ही लड़ने लगता है आदमी। आप क्या देखकर वोट डालते हैं जब आप वोट डालने जाते हैं? जातियादा देख के। अच्छा, जाति देखकर डालते हैं? आप भी जाति देखकर डालते? सब कोई। अच्छा, हम ही डालते हैं, सब आदमी डालता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता तो हम भी नहीं करते। ऐसे हम नहीं चाह रहे हैं कि हम जातियादा करें, लेकिन ऐसा हो जाता है, माहौल बन जाता है कि जातियादा करना पड़ जाता है। पर वोट कोई देखता नहीं आपने किसको डाला, आप किसी को भी डाल दो और बाद में बोल दो कि मैंने ऐसे डाला। ऐसे बात होता है, हम किसी के वोट डाले या न डाले, मान लीजिए कि हम यादव हैं, हम लमटेन के वोट नहीं दे रहे हैं, हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं हमको देगा, कि देवे नहीं किया है हमको वोट, तो आपको लगता है वो वैल्यू नहीं देगा? वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि चलिए इसी में डाल देते हैं। अच्छा, आप भी यादव हैं? हाँ, हम भी यादव हैं। यादव के वोट कभी नहीं पलटेगा सर। आपको लगता है कि हम नहीं बताएं कि हम यादव होके हम चाह रहे हैं कि भाजपा के वोट देंगे, लेकिन भाजपा वाला हमको मानेगा नहीं? अच्छा, तो ये यादव है तो वोट नहीं दिया है, हम कुछ कोई काम ले जाएंगे उसके यहाँ तो कहेगा कि नहीं, अरे तू काम है, हमें वोट दिया है कि तू हमें भी आया है, हमको ऐसा लगता है। आप क्या देखकर वोट डालते हैं? हम तो काम पर वोट, काम रहेगा वो। आप जाति देखकर नहीं डालते? नहीं डालते। आप काम क्या करते हैं? मेरा दुकान है वहाँ कटेरिया में, किराया दुकान है। आपको लगता है बाकी लोग जाति देखकर वोट डालते हैं? भाई ये भी हमें जातिवाद है, ये है कौन सी बड़ी बात है? अरे यहाँ देखिए जातिवाद यहाँ कोई प्रॉब्लम है, राजनीति के बाद है यहाँ, जो भी लोग बोलते हैं राजनीति वाले करते जातिवाद, जनता लोग कुछ नहीं करते। हम लोग अगर मानव है तो मानव का कर्तव्य है कि सबको समान रूप से देखें, मगर भारत में ये आज नहीं है, यहाँ पे भाईचारा जातिवाद हर एक के नाम पर जहर फैला हुआ है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। हम कास्टिज्म में बिलीव करते हैं, इसलिए हमें यूज किया जाता है कास्टिज्म के नाम पे। अगर हम कास्टिज्म के नाम पे वोट ना दें, हम कास्टिज्म अपने घर में अपने व्यवहार में कास्टिज्म खत्म कर दें, तो हमें कास्टिज्म पे कौन बांटेगा? तो यहाँ पर हमें सोशल अवेयरनेस की जरूरत है,
ना कि पॉलिटिकल अवेयरनेस। और आप बताएंगे कि हमरा जिले भी बढ़िया है, बस हम यही जानते हैं और कुछ नहीं। हमारी सोसाइटी में मौजूद कास्ट डिविजन अब सोशल मीडिया पर भी रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। जैसे कि मेरे सामने एक फेसबुक का ग्रुप है, भूमिहार ब्राह्मण विचार मंच। अगर मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्या आप भूमिहार ब्राह्मण हैं? यदि आप नहीं हैं तो ये ग्रुप आपके लिए नहीं है, आप अपना गोत्र बताएं। ये किसी भी और कास्ट को अपने फेसबुक ग्रुप्स में एंटर नहीं करना देना चाहते और अपनी बात नहीं रखने देना चाहते। ऐसे ही ग्रुप्स दोस्तों मौजूद हैं यादवों के यदुवंशी सेना, दलितों के भीम सेना। ऐसे फेसबुक ग्रुप्स और पेजेस से दो चीज़ें होती हैं, एक तो कास्ट के बीच में जो डिविजन्स हैं वो बने रहते हैं, और दूसरा पॉलिटिशियंस के लिए बहुत आसान हो जाता है कास्ट को एज अ वोट बैंक यूज़ करना। सबसे चौंका देने वाली बात तो मुझे ये लगी दोस्तों कि आज के दिन भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कास्ट के सामने हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, चाहे उनका पॉलिटिशियन किसी पार्टी से हो, क्या उन्होंने काम किया हो, क्या उन्होंने प्रॉमिस करी हो, ये सब चीज़ें निग्लेक्ट हो जाती हैं जब कास्ट के सेंटिमेंट सामने आते हैं। तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है, पॉलिटिशियंस इस बात का पूरी तरह से फायदा उठाते हैं, आपके एक वोट बैंक को सीमेंटेड समझते हैं, पक्का पक्का समझते हैं कि आप तो वोट उनके लिए करने ही वाले हैं। तो मेरी सजेशन आपसे ये रहेगी दोस्तों कि कास्ट को देखकर वोट मत कीजिए, आदमी के काम को देखकर वोट कीजिए, पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को देखकर वोट कीजिए, पॉलिटिशियंस की एजुकेशन को देखकर वोट कीजिए। बहुत रीजंस है वोट करने के लिए, कास्ट सबसे नीचे होना चाहिए, रिलीजन सबसे नीचे होना चाहिए।